अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही डिफरेंट सी सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। वो है प्याज, दो प्याज़ा। सीज़न के आजकल प्याज बड़े अच्छे आए हुए हैं और बड़े मुनासिब मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज प्याज दो प्याज़ा बना लिया जाए। 705 ग्राम प्याज कट कर लिए बारीक, और फिर मैंने एक छोटी प्याज चकोर कट कर ली है। 3 टेबल स्पून ऑयल में मैंने इसको शैलो फ्राई किया है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। कड़ी पत्ता मैं हमेशा काट के डालती हूँ, डंडिया भी साथ, ताकि अच्छा फ्लेवर और खुशबू आ जाए। अदरक लहसुन 1 टेबल डाल दिया है, 1 टेबल स्पून है। हल्दी है, चिल्ली पाउडर है, ज़ीरा है, धनिया है, काली मिर्च 1/4 टीस्पून है, 1 टीस्पून सॉल्ट है, और साथ में ड्राई मेथी है। ये तमाम मसाले 1 टीस्पून जाएंगे, थोड़ा सा पानी डाल के कि हमें इसको सही से भूनना है। फिर इसके बाद 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून मैंने खशखश को धो कर के भिगो के रख लिया था, और ये भी मसाले में डाल के हमें इसको भी सही से भून लेना है। एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स हमें इसे भून लेना है। फिर जो बारीक लच्छेदार प्याज हमने काटी है वो हमने इसको डाल देना है। इसी तरीके से मैंने दोनों तरीके से बना के देखा है। मैंने पूरा फुल प्याज भी डाला है, सालन बनाया है उसका पूरा, लेकिन जो टेस्ट इस कटे हुए लच्छेदार प्याज में आता है ना, वो किसी में नहीं आता। तो ये बेसिकली हमें बहुत पसंद है, खशखश डली हुई प्याज का सालन बहुत ही मज़े का लगता है। एक बड़ा टमाटर हमने डाला है, और वो इसी टमाटर के पानी में, हमें पानी नहीं डालना है, इसी ही पानी में पक जाएगा ये सालन, रेडी हो जाएगा 25 मिनट्स में स्लो मीडियम फ्लेम में। ये देखिए हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। टमाटर भी हमारे गल चुके हैं, प्याज भी हमारे गल चुके हैं, और बस ये देखिए जी हमारा बिल्कुल रेडी है ये सालन। अब हम इसे डिश आउट करते हैं, और बहुत ही जल्दी पक जाने वाला, बस थोड़ा सा टाइम हमें इसको कट करने में लगता है प्याज को, अदरवाइज़ ये कि बहुत जल्दी पक जाता है। एक दफ़ा ज़रूर बना के देखिए। हम गार्निश के लिए धनिया है तो वो ज़रूर डाल दीजिए, और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है, फ़ायदेमंद भी नहायत। आप मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर इस प्याज के सालन को बनाइएगा, और ज़रूर बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, बहुत ही मज़े का बनता है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी सपोर्ट हो जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।